दोस्तों, जीवन में मोटिवेशनल स्टोरी का एक अलग ही महत्व है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराश के भौर में फंसा पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियां हमें निराश के उस भौर से बाहर निकालकर नए जोश को संचार करती है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़े ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सभी सवालों को जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, आखिर बात क्या है? कुछ परेशानी हो तो बताओ। छात्र हिचकिचाते हुए बोला, सर वो मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? छात्र ने बोला, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। अरे अब ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को जीवन से अलग नहीं कर सकते, वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्रों को समझ में आ गया और उसने निश्चय किया कि वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकते हैं। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों फैमिली सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, देखते रहिए बायोग्राफिकल मोटिवेशन।